जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। Happy New Year. Happy New Year.
देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यहाँ पैकेज ऑफर में आए थे, एक रात की पार्टी और एक रात का सोना। इंस्पेक्टर, हमें वापस अपने घर जाना है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी लोग यहाँ मेरे साथ का जश्न मनाने आए हैं, लेकिन जब तक किसी अंजलि राव के खाते का पता नहीं चल जाता, आप लोग ये होटल छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके लिए चाहे एक के बजाय दो दिन या फिर तीन दिन। शॉप पर भी तुम उसे घूर रहे थे ना? किसे? वो खुद मुझसे किताब के बारे में पूछ रही थी, समझी? जी नहीं, तुम ही उससे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे थे। तुमने खुद मुझे उससे मिलवाया था। हाँ, लेकिन जब उसका कत्ल हुआ तब तुम पार्टी में नहीं थे। मैं वहीं था। लिसन, और अगर मैं वहां नहीं भी था तब भी तुम्हें ये सब किसी से कहने की जरूरत नहीं, समझी? ले जाइए आप। सर आप कुछ खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ऐसा वेरी सॉरी जी, आपकी पत्नी का खून हुआ हमारे होटल में, बहुत बुरा हुआ सर। लेकिन इससे हमारे होटल का नाम भी तो सर। जी हाँ, मैं जानता हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। लेकिन सर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन आप फिक्र न करें सर, हम खूनी का पता जरूर लगवा कर देंगे सर। देखिए आप लोग यहाँ से निकल जाइए प्लीज, आप लोग भी क्या देख रहे हैं तमाशा। प्लीज लीव मी अलोन। Sorry. Please leave me alone. Sorry. Thank you. Sorry. Hello. Hi, doggy. Hello. Where did you come from? Come to me. So sweet. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Hi. ये हमारा है। हमारा नहीं है, इनका है। कुत्ता कहीं का? बड़ा प्यारा कुत्ता है। अपने मालिक पर गया है। Let me introduce myself. I'm Sam. Sam De Silva. बड़ा प्यारा नाम है। और ये मेरा असिस्टेंट गोपी चंद। प्लीज टू मीट यू गोपी चंद। अगर मेरे डॉगी ने आपको तकलीफ दी तो सैम उसके लिए माफी मांगता है। नो ट्रबल। चले तो यार, डॉगी ने तकलीफ दी है, माफी नहीं मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी मैडम। चले अभी चलें। यार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं छुट्टी मना रही हूँ। छुट्टी? हाँ। होटल में? हाँ। कितने दिनों से? दो दिन से। कल आप यहीं थी? हाँ। सुना यहाँ एक मर्डर हो गया। हाँ, मेरी फ्रेंड का। आपकी फ्रेंड? हाँ। दरअसल हम जासूस हैं। How fascinating. हम लोग बड़े फैसिनेटिंग लोग हैं, फैसिनेटिंग काम करते हैं, फैसिनेटिंग लोगों से मिलते हैं, फैसिनेटिंग बातें करते हैं। आप क्या करती हैं? मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। नॉवेल्स? जासूसी नॉवेल्स। अंग्रेजी में? हाँ।
कौन सी? मार्बल मैन। आपका नाम? कविता देशपांडे। कविता देशपांडे, यस। मैंने आपकी तीनों नॉवेल्स पढ़ी हैं। यस 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 यस। वो वुमन विद द हैट, यस, और मार्बल मैन। मार्बल मैन उसमें तो पता ही नहीं चलता कि खूनी कौन है। थैंक यू। एक बात कहूं, ये चश्मा आपको बहुत सूट करता है। थैंक यू। इसे पहन लीजिए। चलें। एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? गोपी, इन्हें समझाओ, ही इज आउट ऑफ ट्यून। इंस्पेक्टर भिंडे, तो आप हैं इस केस की तहकीकात पर? जी हाँ। हमें यहाँ के मैनेजर मल्होत्रा ने बुलवाया है इस केस की तहकीकात के लिए। मिस्टर मल्होत्रा? जी। आपने इन्हें बुलवाया यहाँ? जी हाँ सर, सॉरी जी, बट क्या है कि वो प्राइवेट होटल में मर्डर हुआ है, इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव भी। सॉरी जी। मिस्टर डिसिल्वा, प्लीज। मुझे बुलाया? मुझे बुलाया आपको। सी यू अगेन। है, सी यू लेटर। मुलाकात होगी से जी। ओ इंस्पेक्टर भिंडे। जी हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब बहेगा खून जिगर तो क्या हम ना आएंगे उधर? वाह, क्या काफिया मिला है। अच्छा है। काफिया तो मिला है, हाथ भी मिलाइए। इंस्पेक्टर भिंडे, कुछ प्राइवेट बातें करनी है आपसे। हाँ जी, कहिए। मैनेजर साहब, आप भी आइए। तो अभी तक शॉक लगा हुआ है, वो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने, वो मेरी आंखों के सामने। क्या? मेरी आंखों के सामने। क्या? देखिए मैडम, हम आपकी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं, लेकिन आप मरने वाली यानी कि अंजलि राव के अंतिम क्षणों के बारे में कुछ, मतलब कुछ बता सकेंगी कि क्या हुआ था? मुझे तो इतना शौक लगा जी, सडनली उसने आंखें खोली। अच्छा। मेरी तरफ देखा। अच्छा। मेरी तो शौक से डेथ हो गई जी। फिर उसने कुछ कहा। क्या कहा? क्या कहा? It was horrible. उसने कहा, कंच 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 कंच, और फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। सॉरी जी, सॉरी जी। गोपी, मैनेजर साहब। यस प्लीज। अपने होटल का रजिस्टर मंगवाइए। सॉरी जी, आपको किसी पर शक है? मंगवाइए जी। गोपी, क्या बात है, कोई कंचन मिल गई क्या? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मरते वक्त क्या कहा था अंजलि राव ने? कहा था कंच कंच। मुझे शक है, नहीं यकीन है मुझे, कि वो कंचन कहना चाहती थी, यानी कि कंचन नाम की कातिल। दिस इज एन ओपन शट केस। ये रहा कंचन चौधरी, 303। गोपी, योर गोपी। मिसेज कंचन चौधरी। यस प्लीज। क्या हम अंदर आ सकते हैं? देखिए, हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, हम बाहर से ही तहकीकात कर लेंगे। मिसेज कंचन चौधरी, आप कल 12 और 12:30 के बीच में कहाँ थी? जी, मैं नीचे डांस कर रही थी। आप नीचे डांस कर रही थी? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, आप डांस नहीं कर रही थी। व्हाट डू यू मीन? 12 और 12:30 के बीच में आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर आई, लिफ्ट से। आपने अंजलि राव का कमरा खटखटाया, अंजलि राव ने दरवाजा खोला, चाकू आपके हाथ में था, और आपने कत्ल कर दिया। क्यों मिसेस चौधरी, आपने कत्ल क्यों किया?
बताइए किस लिए, क्यों किया आपने ये कत्ल? मुझे बताइए किस लिए हुआ ये कत्ल? ये कौन शोर मचा रहा है? देखो ना दादी माँ, ये क्या कह रहे हैं? कौन है? प्राइवेट डिटेक्टिव गोपीचंद। हेलो, इनकी तारीफ? ये मेरी दादी माँ मिसेस कंचन चौधरी। तो मिसेस कंचन चौधरी, कंचन चौधरी, कंचन चौधरी, कंचन कंचन सैम डिसल्वा मेरे सीनियर पार्टनर, ये तहकीकात करते हैं। दरअसल दादी माँ, ये लोग कहते हैं कल राजू खून हुआ है ना, वो मैंने किया है। क्या कल वो है? ये मेरी फूल जैसी बच्ची तुझे खूनी दिखती है? नो मैडम, मेरा ये जूनियर पार्टनर दरअसल ये कहना चाहता है कि कल जो खून हुआ वो आपने नहीं बल्कि आपने किया। क्या अंधा है तू? तू अंधा है? एग्जैक्टली मैं जो व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, मैं खून कर सकती हूँ। बिल्कुल गधा है मैडम, बिल्कुल गधा है। वेरी सॉरी मिसेस कंचन चौधरी, सैम माफी मांगता है। सॉरी, माफी मांगता है। गोपी, सही सही कहती थी वो औरत, गधा हूँ, एकदम गधा, एकदम गधा, उल्लू हूँ, एक 70 साल की बुढ़िया और कातिल। गोपी, तुम खूने की उम्र देख रहे हो और मुझे मकसद की तलाश है। लेकिन जो औरत 70 साल की बुढ़िया हो, व्हीलचेयर से खड़ी भी ना हो सकती हो, व्हीलचेयर से अगर वो उठ नहीं सकती तो फिर चलने की छड़ी उसके कमरे में क्या कर रही? हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है मिस्टर ब्राउन। न्यू ईयर ईव और इस तरह आपकी वाइफ का मर्डर, प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस। अचानक मेरी पूरी जिंदगी तबाह। हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है, हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपकी तारीफ पूछ रहे हैं। मैं इनकी बहन हूं। तो आप भी इनके साथ आई थी? नहीं, मैं अपने पति के साथ यहां आई हूं। मिस्टर राव, आपको किसी पे शक या शुबा? किस पे हो सकता है? कल तो यहाँ पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर पार्टी, डांसिंग, उसमें आपकी वाइफ का कोई फ्रेंड था? फ्रेंड मतलब है कि उनका किसी से मिलना जुलना जो कि आपको अच्छा ना लगता? जी नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं थी। विजय, दीदी क्या चाहती हूँ? विजय, दीदी मैं बार बार वही बात बोले जा रहा हूँ, इसे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। श्योरली लेकिन आप लोग इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग कातिल को पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि कातिल पकड़ा जाए या नहीं? जरूर। मैडम, कल रात जब ये पार्टी चल रही थी न्यू ईयर ईव की और ये हादसा हो गया, मर्डर, उस वक्त आप कहाँ थी? पार्टी हॉल में, और कहाँ हो सकती हूँ? कोई गवाह? कहना क्या चाहते हैं आप? आप कहना क्या चाहते? वो पूछ रहे हैं, यू नो, रूटीन चेक।
तहकीकात। वैसे इस पार्टी में आने का आइडिया किसका था? विजय ने 4 टिकटें खरीदी थी, 2 मुझे भेज दी। दीदी टिकटें मैंने नहीं भेजी, टिकटें आप क्या चाहिए? आप कह रही विजय ने, विजय तेरे घर से टिकटें आई है। देखिए मेरे घर से टिकटें नहीं आई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं तुम्हें कहती हूं टिकटें तेरे घर से आई है। नहीं टिकटें मेरे घर से नहीं आई है। मिस्टर राव, नो प्रॉब्लम। माय कंडोलेंसेस वंस अगेन। गुड बाय मैडम। कोपिजन लेट्स गो। इंस्पेक्टर भिंडे, लेट्स गो सर। बहुत तकलीफ थी इन लोगों को। सैम माफी मांगता है। माय अपोलॉजीज सर। बहुत बहुत सॉरी जी। जी वो कभी कभी ऐसा होता है। सॉरी जी, सॉरी जी, जी हमने कहा ना सब, सॉरी जी। ये सर, मिस्टर राव के कमरे में एक कचरे का डब्बा है। जी वो तो हर रूम में होता है जी। होता है जी। लेकिन इसको आप किसी को भेजकर बाहर मंगवा लीजिए जी। और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जी। समझ गए आप? जी जरूर। वो सब सही है लेकिन मुझे भी। हाय सैम। हाय सैम। हाय हाय हाय। लगता है दूसरों के लिए होटल में रहना सजा है लेकिन आपके लिए तो मजा है। एनी प्रोग्रेस? कुछ। वैसे कविता जी कहिए, आप भी तो जासूसी किताबें लिखती हैं है ना? आपका क्या ख्याल है, किस ऊपर कोई डाउट या कोई शक? मेरी थ्योरी के मुताबिक जिस पर शक बिल्कुल न हो उस पर ही शक करना चाहिए। वाह क्या बात है, तो फिर आप पर शक कर लें। जरूर करना चाहिए। जोक सपाट है, कोई आपकी नजर में है? कुछ लोग मसलन एक जोड़ा है। जोड़ा? हाँ तो वो जोड़ा बड़ा ही बोरिंग सा पति, हमेशा घूमता रहता है। बीवी का नाम स्वाति है लेकिन मुझे पता चला है कि माइकी का नाम कंचन है। और ये आपको कैसे पता चला? हम सबको होटल में एक फोन बाहर करने की इजाजत मिली थी तो ये शायद अपने माइके में फोन कर रही थी। फोन पे नाम कंचन बताया था। लेकिन हमें किसी कंचन की तलाश है, ये आपको कैसे पता चला? आप जासूस हैं तो मैं जासूसी नॉवेलिस्ट हूँ। कान खुले रखती हूँ, गलत है क्या? बहुत ठीक करती हैं। ऐसे ही करती रहिए। तो चलें उनके पास, जोड़े के पास। चलो। मैंने आपको बता दिया ना, मैं नीचे पार्टी में था जब ये कत्ल हुआ। और आप कहाँ थे कंचन जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंचन जी। जी आपने मुझसे कुछ कहा? आप ही से कहा। लेकिन मेरा नाम तो स्वाति है। आपका कोई दूसरा भी नाम है? जी नहीं। शादी से पहले कोई दूसरा नाम था? हाँ कंचन, लेकिन आप तो बहुत पीछे तक पहुंच गए, दूर तक, मेरे मायके तक। कभी कभी पीछे जाना पड़ता है। आप अंजलि राव को जानती थी? जी नहीं। जी हाँ मैं उनसे मिली थी एक बार। शादी से पहले? जी हाँ शादी से पहले। मतलब है कि अंजलि राव आपको कंचन के नाम से जानती थी? ऑफ कोर्स। तब तो इनका नाम स्वाति पांडे हुआ ही नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम। जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो पार्टी में ही थी। लेकिन ये वहाँ नहीं थे। सॉरी बता दिया, इन्होंने मना किया था। मैं वही था। तो फिर ये क्यों कह रही हैं कि आप वहाँ? इन्हें तो यूं ही मुझ पे शक रहा करता है। मिसेस पांडे,
क्या ये सच नहीं कि ये आपकी दूसरी शादी है? नहीं, हाँ, नहीं। जी हाँ। और क्या ये सच नहीं कि आप अपने पहले पति पर बहुत शक करती थी? जी नहीं। क्या ये सच नहीं कि एक बार इस शक की वजह से आपने अपने पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर एक फूलदान मार दिया था? प्लीज प्लीज देखिए, आपको मेरी वाइफ के साथ इस तरह बातें करने का कोई हक नहीं है। प्लीज, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं? जी नहीं। अपने दिमाग के इलाज के लिए? जी नहीं। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। किसी साइकाइट्रिस्ट के पास? झूठे। क्या ये सच नहीं कि आप गुस्से में आकर किसी को मार सकती हैं? जी जी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं कि आपने अंजलि को मारा? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी को नहीं मार सकती। चलो, मैंने अंजलि को नहीं मारा। हम इनके किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। नॉनसेंस, हम कहां आके फंस गए? चलो चलो। ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? आंख खुली रखते हैं, कान खुले रखते हैं, दिमाग खुला रखते हैं, कुछ गलत करते हैं? नहीं। तूने बताता क्यों नहीं? जिमी, तू डरता क्यों है किसी से? यार यार, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया यार। तू इसे समझाता क्यों नहीं? तू मेरे सामने गया था और मुझे बता के गया था, ध्यान है तुझे? तू गया था ना? क्यों यार, बोल देना। अबे यार, तुम लोग तो मरवाओगे, छोड़ो मुझे। तुम लोग जिमी, यही नाम है ना तुम्हारा? यस सर। कोई वजह बता सकते हो कि तुम पर शक न किया जाए? जी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी लड़कियों का पीछा नहीं किया करते। मैंने किसका पीछा किया? पीछा ही नहीं किया, रेप भी किया। रेप? ये बात बिल्कुल गलत है। तुम रेप के केस में फंस चुके हो। जी, ये सरासर गलत है। तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड है? नहीं सर, मुझे तो कोर्ट ने छोड़ दिया था, मैं तो बेगुनाह हूं। और इस बार? इस बार? इस बार तुमने अंजलि राव का पीछा किया, उसे रेप करने की कोशिश की, और जब उसने इनकार कर दिया तो तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो उस वक्त डांसिंग हॉल में था। तुम डांसिंग हॉल में नहीं थे। 12:10 पर जब सारा हॉल हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा था, तुमने अपने कमरे में एक सोडा ऑर्डर किया। किस लिए? तुम विस्की पी रहे थे। किस लिए? तुम रेप करना चाहते थे। हा? और जब अंजलि राव चीखी चिल्लाई तो तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, मैंने खूनी को देखा है। खूनी को देखा है? खूनी को देखा है? हाँ सर, उस रात मैं अंजलि राव के साथ नाच रहा था। मैंने बहुत पी रखी थी। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। जब वो बाहर गई तो मैंने उसका पीछा किया। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। आप सही कह रहे हैं सर, मैं अपने कमरे में गया और एक विस्की मंगाई। विस्की पीने के बाद मैं अंजलि राव के कमरे की तरफ चल पड़ा। अंजलि के कमरे से बाहर निकला था। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे में गया। देखा कि अंजलि का किसी ने खून कर दिया था। मैं घबरा गया। पहले भी एक बार रेप के केस में फंस चुका था, इसलिए मैं चुप रहा। तो तुमने कातिल को देखा? कौन है कातिल? मिस्टर राव या उसकी बहन या मिसेस कंचन चौधरी या मिसेस पांडे? कौन? मैं खूनी से टकराया जरूर था, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने शेर का मांस पहना हुआ था। अच्छी कहानी है ये कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है सर। तुमने कातिल को देखा, तुमने उसका चेहरा देखा, लेकिन चेहरे ने शेर का मांस पहन रखा था। मैं उस दिन नशे में चूर था और मैं गिर भी गया था। एक मिनट, शायद उस खूनी के हाथ से कुछ गिरा था। क्या?
इस खूनी के हाथ से। पांच मिनट, मुझे पांच मिनट दीजिए, मैं शायद अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। बात करनी है। जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई दे रहा है। हेलो, मुझे सैम साहब से बात करनी है। हाँ, मुझे कातिल की निशानी मिल गई है। कातिल की निशानी मिल गई? जी, मतलब कातिल की निशानी मिल गई? मतलब वो मतलब सॉरी जी, मतलब कौन सी निशानी मिल गई आपको? हाँ, वो इधर ही थे, मैं उनको बता दूंगा, लेकिन कहाँ मिली, कौन सी निशानी, वो कहाँ थी, क्या है निशानी? देखो जिमी, सॉरी, मैं अंदर से लेता हूँ। मल्होत्रा जी, सॉरी जी, सॉरी जी, जिम्मी, सर जी, जिम्मी, धीमे में आए। यस जिम्मी, मुझे आपको अभी इसी वक्त मिलना है, मेरे हाथ में कातिल की निशानी है। मैं आपको लिफ्ट के बाहर मिलता हूँ। हम लोग अभी आते हैं। बताइए ना, क्या देखिए आप लोग बताएगा तो मैं सब कुछ बता। जिमी, कुंची, जिमी, कौन था? जिमी, मुझे बताओ तो सही, कौन था? जिमी, हमारे पास सिर्फ सुबह तक का वक्त बाकी है। रात सारी की सारी बाकी है भेंडे, और इस रात न कातिल सोएगा और न हम। सॉरी जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने विजय राव के कमरे से कचरे का डब्बा मंगा लिया है, उसमें कुछ कागज के टुकड़े मिले हैं,
और वो सब मैंने अपने अकल के मुताबिक इस कागज पे चिपका लिए हैं। आप जरा देख लीजिए। सॉरी जी। डियर वी, वी 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 यानी विजय है ना, जाहिर है फैसला आज रात को ही हो जाना चाहिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कन के एन कन कान कन, ये बाकी का पन्ना कहाँ गया? जैसे ही कचरे का डिब्बा विजय राव के कमरे से आया, इससे पहले मैं इसे रोकूं, ये कागज का टुकड़ा चबा गया। ओ हेल, कुत्ता कहीं का, ले जाओ इसे वरना मैं। आ जा, कम कम कम। जा। यानी कि कोई लड़की जिसका नाम है कंचन, जिससे मिस्टर विजय राव प्यार करते हैं, और इसीलिए ये खून। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं आप। हाँ, वो तो मैं पहले से ही जानता था। वेरी स्मार्ट ऑफ यू। कान खोले रखता हूं, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कन कंच यानी कंचन, यानी इसमें कोई कंचन इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर भिंडे, अब हमें मिस्टर विजय राव से मिलना चाहिए। ये कंचन कौन है मिस्टर राव? कंचन? आई डोंट नो। यू नो वेरी वेल। जी नहीं, आई डोंट नो एनी कंचन। वो आपको चिट्ठियां लिखती है। मिस्टर सैम, मुझे कोई कंचन चिट्ठी नहीं लिखती। के ए एन से तो कई और नाम हो सकते हैं। क्या 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 नाम शुरू हो सकते हैं? केएन का मतलब कंचन, और क्या नाम हो सकता है? जी नहीं, जैसे कि कांता। कांता कांता। विजय, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ? कांता जी, कांता जी। ओ, तो इसका मतलब ये कि ये चिट्ठी इन्होंने। कांता जी, आपके अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे। नफरत करती थी उसे, नफरत। आपकी तारीफ। मैं इस देवी का पति हूं, भास्कर चौहान। जिस दिन से विजय ने अंजलि से शादी की है, ये उसके पीछे पड़ी रहती थी। चुप रहिए आप। इसके दिमाग में शक का बीज बोती रहती थी कि अंजलि की कई मर्दों के साथ दोस्ती है। ये किसी और लड़की से इसकी शादी करवाना चाहती थी। अब करवाना धूमधाम से इसकी शादी, लेकिन जेल से निकलने के बाद। जीजा जी, नशे में आप कुछ भी बकबक करते रहते हैं। टेक हर पुट हर इनटू जेल सेठ साहब, तभी मेरी शराब छूटेगी। चुप भी रहेंगे आप? ये सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि उसका खून हो जाए। सैम साहब, इससे पहले कि आप इन पर शक करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरे वक्त डांस हॉल में मेरी आंखों के सामने थी सर। ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। एक वक्त में दो दो जगह भी रह सकती है। जीजा जी, बस प्लीज, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो दीदी। और सैम साहब, सैम, आई एम श्योर कि अंजलि राव का कत्ल विजय राव और उसकी बहन ने मिलकर किया है, और चूंकि जिमी को बात पता लग गई थी, इसलिए दोनों ने उसका भी कत्ल कर दिया। हो सकता है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे इंस्पेक्टर भिंडे से कह के उन्हें गिरफ्तार करवा लो। अरे तो फिर उस जोड़े का क्या होगा, जहां पति हर खूबसूरत लड़की को घूरता रहता है, और कत्ल के वक्त वो पार्टी से गायब हो गया था, और उसकी पत्नी जो दिमागी तौर से बीमार है, और कंचन चौधरी जो दिखाने के लिए एक व्हील चेयर पर घूमती रहती है, लेकिन साथ में
एक चलने की छड़ी भी रखी। लेकिन कत्ल का आखिर मकसद क्या है? अरे मकसद एक झाड़ियों में छुपे हुए सांप की तरह है जिसे हमें तलाश करना है। कौन है ये किलर? कोई है जो हमें गुमराह कर रहा है गोपी? हमें उसे ढूंढना है। सॉरी जी, मिस्टर सैम कहाँ चले गए? हाँ, वो पता नहीं गुमराह गुमराह कहते हुए चले गए। लेकिन इस तहकीकात का क्या हुआ? मुझे उनसे पूछना है। वो परेशान है, बहुत परेशान है। सॉरी जी, ये सैम साहब। हाँ जी सैम, क्या कर रहे हो ये? ऐसे नाच चल रहा होगा, ऐसे उसकी हील टूटी होगी। ये क्या क्या कह रहे हो ये? इधर से वो गई होगी और ऐसे ही कातिल ने उसको फॉलो किया होगा। क्या मतलब है भाई? पार्टी करते हैं, पार्टी। ठीक वैसी ही पार्टी, सबको बुलाते हैं, कातिल भी आएगा और यहां उसको पकड़ेंगे। क्यों है? जिंदगी जीने के लिए होती है। आइए सब नाचिए, वैसे ही जैसे न्यू ईयर्स ईव की पार्टी पर नाचे थे। सब पहन लीजिए अपने अपने मास्क और आइए। कम ऑन, लेट्स डांस। जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप यह पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पुलिस ने सारे के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं क्योंकि उसे एक कातिल की तलाश है। हम सब जानते हैं कि वो कातिल इस होटल में है और इस वक्त यहां मौजूद है, इसलिए मैं उससे अपील करता हूं, उसे इल्तजा करता हूं कि वो खुद ब खुद सामने आ जाए ताकि बाकियों को इस जबरदस्ती की कैद से रिहाई मिल जाए। नहीं, बाहर आने का इरादा नहीं है तुम्हारा, है तो ठीक है, हमें अपना काम शुरू करना होगा। गोपी, सबसे पहला शक तुम्हारा किस पर है? मिसेस कंचन चौधरी। मैं और खूनी, तू पागल तो नहीं हो गया है मोटे? मैं इस व्हील चेयर से उठ नहीं सकती और खून कर सकती हूँ? व्हील चेयर पर बैठने वाले बीमार का भी छड़ी नहीं इस्तेमाल किया करते मिसेस कंचन चौधरी। ये छड़ी आपकी है या नहीं? नहीं। हाँ हाँ मेरी है। तो देखा सैम, तो ये छड़ी इनकी है। ये छड़ी किस लिए इस्तेमाल करती थी आप? किस लिए? जब आपको तेज चलना पड़ता था, जैसे उस दिन चलना पड़ा था खून करने के बाद। मुझे यहां से ले चलो, नहीं तो मैं इस आदमी का खून कर डालूंगी। देखिए सैम साहब, आप मेरी दादी पर इल्जाम। संभल के, संभल के। गोपी, छड़ी देना। ये मिसेस चौधरी की नहीं, गीतांजलि की है। बचपन में इसे पोलियो हो गया था, इसी वजह से इस बेचारे की एक टांग कमजोर रह गई, इसीलिए दादी माँ ये बात दुनिया से छुपाती थी क्योंकि इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। गोपी, इस पार्टी में मिसेस चौधरी इसके लिए लड़का ढूंढने आई थी, तुमने देखा नहीं गोपी? सब नाच रहे थे, लेकिन गीतांजलि, डोंट वरी सिस्टर, ऊपर वाला खास तुम्हारे लिए जरूर किसी को भेजेगा जो आकर तुम्हारे हाथ से ये छड़ी छीन लेगा। हाँ
अच्छी जासूसी कर रहे हैं सैम साहब, भोले भाले बीमार लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर। आपका मास्क कहाँ है? वहाँ कोई मास्क बचा नहीं था। गौर से देखिए, वहाँ एक मास्क बचा है। लेकिन वो तो शेर का मास्क है। शेर का मास्क है तो क्या हुआ? वो मेरा मास्क नहीं है, मैं उसे क्यों पहनूं? तो आपका मास्क कहाँ गया? मेरा मास्क किसी और ने पहन लिया। तो कोई बात नहीं, आप ये वाला मास्क पहन लीजिए। क्यों घबरा क्यों गए? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कातिल ने शेर का मास्क पहना था, इसलिए। सैम साहब आप, सैम साहब जब कोई सबूत नहीं है तो आप इन पर शक क्यों कर रहे हैं? आप हम सब पे यूं ही शक क्यों कर रहे हैं? ये मास्क अब आप पहनिए। वाह क्या खिला ये चेहरा, देखिए सब लोग, एक पति का असली चेहरा। वो पति जो कुछ सालों की शादी के बाद अपनी पत्नी से इतना बोर हो जाता है कि वहशी बन जाता है और आजादी के ख्वाब देखने लगता है, उस आजादी के लिए उसे खून भी क्यों ना करना पड़े। नहीं, मैंने दिल्ली का खून नहीं किया। छोड़िए, तुम अपनी पत्नी से बोर हो चुके थे और दूसरी शादी के सपने देख रहे थे, क्योंकि पहली शादी तो तुमने अपनी मर्जी से की और दूसरी तुम अपने खानदान की मर्जी से करना चाहते थे। नहीं, अंजलि से शादी मैंने अपनी मर्जी से की। उस रात ये मास्क तुमने पहना था, तुमने अंजलि का पीछा किया, खून किया तुमने उसका। तुम अंजलि से नफरत करते थे। शेर रोया नहीं करते। तुम्हारे ये आंसू सच्चे हैं मेरे दोस्त, और तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है, लेकिन मेरे लिए इन्हें देखना बहुत जरूरी था। तुम सच में अंजलि से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई तो था तुम्हारे घर में जो उससे बहुत नफरत करता था। देखो देखो, ये शेर का मास्क इसके चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता है। मैं तो डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया, लेकिन इसका असली चेहरा इस शेर के चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। जी जय जी। फैसला आज रात को ही हो जाना चाहिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यही लिखा था आपने इस खत में? जी हाँ। क्या बर्दाश्त नहीं होता? अंजलि, आप जानती थी कि आपका भाई नरम दिल है और उससे खून नहीं होगा, इसलिए क्या आपने खुद ही ये खून कर दिया? एक खून कर चुकी है और दूसरा करने वाली है। आप चुप रहिए, वरना मैं सचमुच आपका भी खून कर देगी। सी, अगर आप इनका खून कर सकती हैं, तो अंजलि का क्यों नहीं? नहीं, अंजलि का खून मैंने नहीं। तो आप किस फैसले की बात कर रही हैं? वो मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे बताइए किस फैसले की बात कर रही हैं आप? मैं किसी को नहीं बता सकती। गोपी, मैं सोच रहा हूं, क्या इनका फैसला ये तो नहीं था कि ये अपने पति से तलाक मांग रही थी? यू आर राइट मिस्टर डिसिल्वा, दीदी और जीजाजी के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इस खत ने हमें बहुत गुमराह किया गोपी, लेकिन मैं समझ सकता हूं, ये घर के मामले को घर में रखना चाहती थी। मिस्टर सैम, ये सब क्या हो रहा, ये सब हो क्या रहा है? बात कहीं पहुंची नहीं, घूम फिर कर वहीं की वहीं है। वहीं की वहीं है? जी हाँ, आखिर कातिल है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा भेंडे साहब, कुछ समझ। कविता जी, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए ना। कैसे? उस दिन जो टेबल टेनिस खेलने के बाद जिमी ने जब हमें बताया था कि कातिल ने शेर का मास्क पहना हुआ था, तो आप भी वहां मौजूद थी ना? जी हाँ। तो आपको लगता है उसने ये बात किसी और को भी बताई होगी? हाँ, उसके चंद दोस्त है यहाँ, जरूर उनमें से किसी को बताया होगा। और फिर जिमी की मौत पर एक था जो बिल्कुल चुप था, जैसे उसे जिमी की मौत का कोई गम ही ना हो। चुप था? हाँ, चुप था, चुप।
मास्क। ये क्या क्या है ये सब? जिमी मेरा जिगरी दोस्त था, मुझे भी उसकी उसकी मौत का पूरा गम था। गम तो सबको था, लेकिन आप ऐसे चुप थे जैसे कि कुछ छुपाना चाहते हो। क्या छुपाना चाहता था मैं? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? तुम जलते थे अपने जिगरी दोस्त से। मैं भला उसे क्यों जलने लगा? क्योंकि वो बड़ी आसानी से लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेता था और तुम चाहते हुए भी पीछे रह जाते थे। इसी वजह से एक बार फंस गया था रेप केस में। जिसका रेप करने की कोशिश की गई थी वो एक किराए की लड़की थी। उसे पैसे दिए गए थे इस काम के लिए और ये पैसे दिए थे उसके एक जिगरी दोस्त ने। तुमने? मैंने? रेप में फंसाकर तुम उससे बदला लेना चाहते थे। किस बात का? क्योंकि एक बार उसने तुम्हारी बहन पर भी बुरी नजर रखी थी। मैं तो उसे गोली मार देता। लेकिन लेकिन ये बात तो टल गई थी और मेरी बहन बच गई थी। और सबसे बड़ी बात, जिमी ने मुझसे माफी मांग ली थी। उसने माफी मांग ली थी लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया था और इसलिए तुमने उसे एक बार फिर फंसाने की कोशिश की, इस बार खून के इल्जाम में, खुद अंजलि राव का खून करके। मिस्टर सैम, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस शख्स से ये खून हुआ है उसका नाम कंच से शुरू होता है। इसका नाम राकेश है, कंचेश नहीं। आखिर आप चाहते क्या है? सॉरी, क्या चाहते हैं आप? सॉरी सर साहब, आखिर आप क्या करने वाले हैं? हमने अपना बैंक डिटेल को गाड़ी लगा लेते हैं, खून इसी ने किया। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। शक सबको शक करना है, अपने आप पर शक करना है, टोपी पर शक करना है और ये तो हमारे साथ रहेगा हमेशा, इन पर भी शक करना है। कविता जी, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज इसको पहन लीजिए हमारी तसल्ली के लिए। थैंक यू। जिसको ये गोपी बिल्कुल पागल है, सब पर शक करता जा रहा है। सबसे पहले तो उसने इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, और इसका बस चलता तो मुझ पर भी शक करता, अपने आप पर भी शक करता और आप पर भी शक करता। लेकिन इन सारी भूलभुलैया में ये समझ में आया कि मरते वक्त अंजलि राव न कंच कह रही थी, न कंचन और न कांता। जब भी फोन करके जाता तो एक कंचा उसके हाथ में छोड़ता था जिसका उसने फोन किया। अंजलि राव के हाथ में भी एक कंचा था और जिन्नी की जेब में भी एक कंचा था। मैंने अंजलि का खून किया, जिमी का भी, दोनों का खून किया मैंने। कंचे, कंचों का खेल तो है ये जिंदगी। बचपन में अंजलि और मैं कंचों से खेला करते थे। वो हमेशा मुझसे कंचे जीत जाया करती थी। मुझे अपने हार बहुत बुरी लगती थी।
कॉलेज में भी वो मुझसे जीतती रही। वही कंचों का खेल, वही हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो आया, वो विजय मेरी जिंदगी में। मैं उससे प्यार करने लगी थी, चाहने लगी थी उसे, उसे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो डराती क्यों है ऐसे मुझे? ये क्या कर रही हो? कुछ याद आया? याद? मुझे तो कुछ याद नहीं आया। लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगी कंचे। बहुत हराया जिंदगी भर तूने मुझे। आज मैं तुमसे जीतने आई हूं। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे से बाहर निकली और जिमी से टकराई। न जाने उसने मुझे पहचाना या नहीं। मैं सोचती रही, फिर उस दिन टेबल टेनिस खेलने के बाद उसने बताया कि उसके पास कातिल की एक निशानी है। मुझे आपको अभी इसी वक्त मिलना है। मेरे हाथ में कातिल की निशानी है। मैं आपको लिफ्ट के बाहर मिलता हूं। ओ, मुझे लगा मिस्टर सैम आए। नहीं, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। थैंक यू। कविता जी, आप साफ निकल जाते हैं, लेकिन आपका यह कहना कि उस पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए जिस पर सबसे कम शक हो, हमें भाग गया। हम इस बात के कायल हो गए और इसी को पकड़ पकड़ कर हम यहां तक पहुंच गए। अभी जजमेंट हुई नहीं है, शायद कोर्ट मुझे जाने दे। मेरे भेजे हुए मुजरिम छूटते नहीं। वो देखा जाएगा। खैर, कोर्ट आपको छोड़े ना छोड़े, लेकिन आप लिखना मत छोड़िएगा। मैं लिखती रहूंगी। हम पढ़ते रहेंगे। भिंडे चलिए मैडम। थैंक यू मिस्टर डिसिल्वा, थैंक यू वेरी मच। मैडम, कोई भूल हो गई हो
तो सैम माफी मांगता है। नहीं नहीं, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम लिया। चल बेटी। सैम साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, यू आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हमें आज्ञा दीजिए सैम साहब। भाई जरा बात ऊंची हो गई हो तो माफ कर देना। आपने जो किया ठीक किया, और आप इन पर शक मत किया कीजिए, खासकर जब कोई बात ही ना हो। नमस्ते सैम साहब। मैं कहता हूँ, अंजलि की कमी तो मुझे जिंदगी भर महसूस होगी, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आपने कातिल को तो पकड़ लिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे थैंक यू सर। देखिए तलाक, एक बार फिर कोशिश कर देखिए। हाँ। प्लीज। आओ। गोपी, we've done it, गोपी। गोपी, where are you यार? मर गया गोपी। अरे तू बैठा हुआ है क्यों? कंच है? कंचे निकले कम्बक्त। तो मैं छोड़ दूंगा ये काम, मैं छोड़ दूंगा, because I'm no good। क्या कह रहा है यार, तू तो ब्रिलियंट है, तू कंचे कंचे न कहता रहता तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। देखो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे मजाक नहीं कर रहा, तू एकदम ब्रिलियंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा तो दिमाग बिल्कुल कमाल का है। थैंक यू। हाँ एक्चुअली मुझे भी मालूम था सैम कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है इस काम में। नेचुरली ऑब्वियसली। चलें। After you. Oh no, after you. Okay.